नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद विपक्षी पार्टियां जहां खुश दिखाई दे रही हैं। विपक्ष का कहना है कि ये बदलाव जरूरी था, ये गठबंधन टूटना जरूरी था। और उनका ये भी मानना है कि नई सरकार बनेगी, नए मुख्य जो है मंत्री आएंगे तो वो बेहतर काम करेंगे। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है बीजेपी को लेकर, हम अपने दर्शकों को जरूर जो है वो दिखाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर बहुत तंग आ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को ना काम करने दे रही थी और नीतीश जो काम कर रहे थे उसमें बीजेपी टांग अड़ा रही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा करने की कोशिश की। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव की सरकार गिरा दी, इसी तरह से बिहार में आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को पूरी तरह खत्म करने का काम किया जा रहा था, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा था। लेकिन बीजेपी ये बात भूल गई कि वहां पे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे जिन्हें राजनीति की उतनी समझ नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार है जो कितनी दफा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सीएम कुर्सी पर रहे, पूरे बिहार को अभी तक संभालते रहे हैं, जेडीयू पार्टी जो उनकी है उसको आगे लेकर गए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने कच्ची गोली तो नहीं खेली थी और नीतीश कुमार ने मौका देखकर चीजों को भांप लिया। सबसे पहले आरसीपी सिंह को अलग कर दिया, उसके बाद उन्होंने मन बना लिया कि बीजेपी से अब अलग होना ही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जेडीयू के कई विधायक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वक्त आएगा तो हम भी खुलकर बताएंगे कि कैसे और किस किसने साजिश रची है। दरअसल जब पूरा देश कोरोना के समय लॉकडाउन में था, उस वक्त बीजेपी को चिंता थी कि बिहार में कैसे सबसे ज्यादा अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और यहां पर देखने को भी ये मिला था कि उस वक्त बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस बिहार पर किया था। और जिस तरह चिराग पासवान बीजेपी से अलग हुए, जेडीयू को नुकसान हुआ और बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार को फंसा कर रखा था, यही वजह बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बड़ा झटका लगा, क्योंकि जेडीयू को मौका मिल ही नहीं पाया, नीतीश कुमार को मौका मिल ही नहीं पाया कि वो अपनी पार्टी को लेकर आगे जाए वो, या फिर वो चीजों को संभाल पाए। ऐसे में बीजेपी ने बड़ा खेल खेल दिया और बहुत सोच समझ कर अपने विधायकों को उतार दिया। बीजेपी के ज्यादातर विधायकों को बिहार विधानसभा में बड़ा फायदा मिला तो जेडीयू को नुकसान हुआ। ये बात नीतीश कुमार को पता लग गई थी कि बीजेपी ने कितनी बड़ी प्लानिंग रची है। चलिए मैं अपने दर्शकों को वो जरूर दिखाता हूँ कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है बीजेपी छोड़ने को लेकर। और सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को वो ट्वीट वगैरह भी दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार सीधे सीधे तौर पर मोदी सरकार पर भड़ास दिखा रहे। देखिए ये न्यूज। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद खुलकर बीजेपी पर भड़के नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई खुलासे कर दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपनों के साथ रहकर अपनों से गद्दारी करती है, बीजेपी ने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी पर अब वो कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह के जरिए जिस तरह से वो बिहार में काम करने की कोशिश कर रहे थे और जेडीयू को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे, ये बात उन्हें पता चल गई थी। दरअसल साल 2013 की तरह साल 2022 में भी एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने धुर विरोधी लालू यादव का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2013 और साल 2022 में एक बड़ा अंतर है जिसे समझने की ज़रूरत है। दरअसल साल 2013 और साल 2022 का यह अंतर अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार की अहमियत बिहार की राजनीति में क्या है और कितनी रह गई है। 2013 में नरेंद्र मोदी के विरोधी के नाम पर नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बजाय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को अपनी सरकार से बर्खास्त कर दिया था। उस समय बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार ने जल्दबाजी में गठबंधन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार तो सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं इसका अंदाज़ा राजनीतिक
हलकों में लंबे समय से लगाया जा रहा था। बीजेपी के नेताओं को भी इस बात की जानकारी थी कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि सटीक जानकारी होने के बावजूद बीजेपी ने इस बार अपनी तरफ से नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश नहीं की। दरअसल बीजेपी ये बात जानती थी कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी ये देख रही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहकर काम नहीं कर पा रहे, इसलिए बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश नहीं की। तो वहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह बीजेपी पर अपना गुस्सा निकाला है, उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था वो एक मजबूरन गठबंधन था और मुख्यमंत्री कुर्सी पर मजबूरन बैठे हुए थे नीतीश कुमार, लेकिन शायद बीजेपी से अलग होकर अब वो बहुत ज़्यादा कुछ दिखते नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया कि नीतीश कुमार ने आखिरकार बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा। दरअसल देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये मान रहे थे कि बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो सहयोगी पार्टियों को पूरी तरह खत्म कर देती है, और नीतीश कुमार ने अब मन बना लिया कि वो कभी बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, तो वहीं ये माना जा रहा है कि भाई जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनका ये मानना है कि नीतीश कभी पीएम नहीं बन पाएंगे और जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।